हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वाति। वेलकम बैक टू माय चैनल हियांशी ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, हम 31st नाइट को बाहर आए हुए हैं न्यू ईयर्स को सेलिब्रेट करने के लिए, जिसका ब्लॉग हमने अपने चैनल पे शेयर किए हुए हैं। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट तो आपने देखे ही होंगे और अभी हम जा रहे हैं हमारे थर्ड डेस्टिनेशन। तो फ्रेंड्स, हम आए हुए हैं बांद्रा और यहाँ की लाइटिंग डेकोरेशन तो आप देख ही रहे होंगे कि कितनी सुंदर लाइटिंग की हुई है और इससे रोड काफ़ी सुंदर दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं हमारे थर्ड डेस्टिनेशन और हम पहुँच ही गए हैं। फ्रेंड्स, ये है जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर। यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन हैं, सिक्योरिटीज भी नहीं। यही है वर्ल्ड सेंटर, NMACC लीला से। हाँ, NMACC लीला विचार देना, नीता अंबानी कल्चरल सेंटर। और हम पहुँच ही गए हैं और चलिए चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। कहाँ से एंट्री, कहाँ से कल्चरल सेंटर जो है? यहाँ की कलरफुल लाइट्स देख के फाल्गुनी दीदी एक्साइटेड हो गई। पार्किंग एरिया से आने के बाद अभी हम मॉल के अंदर सिक्योरिटी चेक इन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस हैं, शॉपिंग सेंटर, कल्चरल सेंटर। तो अभी हम सबसे पहले कल्चरल सेंटर जाएंगे, तो चलिए चलते हैं। एंड फ्रेंड्स, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अभी हम लिफ्ट में हैं और सबसे पहले हम कल्चरल सेंटर एक्सप्लोर करेंगे। This is G floor. The door is opening. एंटर करते ही हमें दिख गए ठाकुर जी और इनकी बहुत सारी फोटोज़ लगी हुई है साइड वॉल्स में। हर एक तस्वीर के नीचे एक ग्लास रखी हुई है जिसमें ठाकुर जी की मिरर इफेक्ट बहुत ही सुंदर आ रही है। साल के अंतिम दिन भी हमें ठाकुर जी के दर्शन होंगे यहाँ पे, ये अनएक्सपेक्टेड था और बस हमारा तो दिल ही खुश हो गया। So guys, this is the cultural center और भी बहुत कुछ है देखने के लिए। अभी फिलहाल हम कल्चरल सेंटर में, उसके बाद हम मॉल जाते हैं। यहाँ बहुत ही सुंदर महालक्ष्मी की ब्रोंज की आइडल है। फ्रेंड्स, ये एरिया भी काफ़ी बड़ा है और इसका फुल व्यू आप देखो कितना सुंदर लग रहा है। इसकी ओपनिंग रिसेंट में हुई है, लास्ट अक्टूबर नवंबर में, और इसकी ओपनिंग के टाइम में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने यहाँ रैम वॉक किए थे। हमें कल्चरल सेंटर पूरा एक्सप्लोर करना था बट अनफॉर्चुनेटली हमारे आने में थोड़ी देर हो गई और ये क्लोज़ हो चुका है। तो अभी हम जा रहे हैं अनदर सेक्शन। वाओ, इसकी रूफ देखो आप, कितना सुंदर लग रहा है ना, मोस्ट अट्रैक्टिव। एंड फ्रेंड्स, ये इंडिया का लार्जेस्ट लग्जीरियस मॉल है। हम आ गए हैं जियो वर्ल्ड प्लाजा मॉल में। फ्रेंड्स, इस फ्लोर पे आप क्रिसमस डेकोरेशन देखोगे। यहाँ हर एक पिलर को बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है, लाइटिंग लगाई गई है और बिल्कुल गिफ्ट रैप की तरह इसे सजाया गया है। और ये आज का सेल्फी पॉइंट है यहाँ पे और आरडी भी लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही बड़ा क्रिसमस ट्री लगाया गया है, आप देख ही सकते हो ये रूफ तक है और बहुत ही सुंदर डेकोरेटेड है। बहुत ही भीड़ है यहाँ पे, बहुत सारे लोग यहाँ फोटोज़ एंड वीडियोज़ कैप्चर कर रहे हैं।
गाइस, क्रिसमस तो खत्म हो गया है बट क्रिसमस की वाइब्स अभी तक यहाँ पे है। फ्रेंड्स, मुझे तो सैंटा बहुत पसंद है और मुझे क्रिसमस ट्री का डेकोरेशन भी बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, सैंटा क्लॉज को तो आपने देख ही लिया और अब मिलिए मेरे सैंटा क्लॉज से। अभी हम सब भी फोटोज एंड वीडियोस ले रहे हैं क्रिसमस ट्री के साथ। फ्रेंड्स, हमें तो यहाँ का डेकोरेशन बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स के शोरूम भी हैं, जैसे कि कार्टियर, मोची एंड बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि आप आगे देखोगे। फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट फ्लोर पे और ये लास्ट फ्लोर होने वाला है और यहाँ भी काफ़ी अच्छा डेकोरेशन है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा डेकोरेशन है। फ्रेंड्स, सी द डेकोरेशन, वाओ। यहाँ हर एक फ्लोर पे बहुत ही डिफरेंट काइंड्स के डेकोरेशन हैं, बहुत ही डिफरेंट थीम्स हैं और बहुत ही सुंदर है। ये हाउस का फ्रंट व्यू है, इस घर को कोई खाली छोड़ ही नहीं रहा था, ना ही इस चेयर को, बहुत ही भीड़ थी, सभी फोटोज़ लेने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। फिर हम चले आए साइड व्यू में और फिर हमने यहाँ से कुछ फोटोज़ एंड वीडियोस निकाली। एंड फाइनली फाल्गुनी दी को ये कुर्सी मिल ही गई फोटोज़ क्लिक कराने के लिए और विजय भैया ने उनकी बहुत अच्छी अच्छी सी फोटोज़ क्लिक की। फ्रेंड्स, यहाँ पे वॉल पेंटिंग की हुई है जो कि डिफरेंट स्टेट्स की जो खास मॉन्यूमेंट्स हैं उसे दर्शाया गया है और ये 3D इफेक्ट दे रहा है। यहाँ हमें फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लेने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल रियल इफेक्ट दे रही है ये पेंटिंग। फ्रेंड्स, जियो वर्ल्ड प्लाजा इज़ द बिगेस्ट मॉल इन इंडिया और इसके एरिया की बात की जाए तो 7,50,000 स्क्वायर फीट पर ये बनी हुई है। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या क्या है वो देखते हैं। This mall is also one of the most expensive mall in India.
कि बहुत सुंदर जगह है, बहुत फोटोजेनिक है, बहुत सुंदर जगह है। या मिरर सेल्फी लेते हैं। अभी हम एक शॉप में आ गए हैं और यहाँ कुछ मेकअप ब्रशेस हम देख रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ से आप जियो वर्ल्ड प्लाजा के फुल व्यू का मजा लीजिए। फ्रेंड्स आरडी को देखिए, उन्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि शायद उनका यहाँ से निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। ये देखिए बेचारी का घूम घूम के हालत खराब है। क्या हो गया? सच में फ्रेंड्स, मैं तो थक गई थी इतना घूम घूम के, लेकिन आज मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा है। डिनर करने जा रहे हैं, आधा व्लॉग तो मैंने बोल दिया। फ्रेंड्स अभी हम जियो वर्ल्ड से बाहर निकल रहे हैं और इसके बाद हम डिनर करने जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ आपको सारे इंटरनेशनल लग्जीरियस ब्रांड्स के शोरूम मिलेंगे, मोर देन 65 ब्रांड्स यहाँ मिलेंगे आपको। और कुछ ब्रांड्स तो ऐसे हैं जो इंडिया में फर्स्ट टाइम जियो प्लाजा में इंटर किए हैं। फ्रेंड्स यहाँ फेमस फैशन डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा एंड सम अदर्स के भी स्टोर्स हैं, तो अभी वो क्लोज हो चुका है। तो रह गया फ्रेंड्स ये है गुच्ची का शोरूम, हम अंदर तो नहीं गए लेकिन आप लोगों को बाहर से दिखा दे रही हूँ। ओए होए आरडी की चाल तो देखो, यहाँ ऐसे चल रहे हैं जैसे यहाँ रैम्प वॉक करने आए हैं। बाहर निकल रहे हैं, शायद आप सब लोगों को मज़ा आया होगा, हमें तो बहुत मज़ा आया और हम अभी और भी मज़ा करने वाले हैं। हम और भी मज़ा करने वाले हैं, जिसे देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहे। क्या बोलते हैं उसको, सिंबल निकला है सॉस के साथ। खाना खाओ, हमारा लंच आ गया। लंच भूख लगी है, भूख लगी। तो हमारे डिनर अभी आ गया है और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बाय बाय। अभी जिस तरह 11 बज गए हैं और बस आधा घंटा रह गया है 2024 आने में। ये विजय बोला ना खाना नहीं गया। सो गाइस खाना हो चुका है, डिनर कर लिया है और अभी हम निकल रहे हैं घर की ओर। यस लेट्स गो। न्यू ईयर आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम अभी मुंह मीठा करने वाले हैं। हाँ किससे? वो भी पान से। तो गाइस देखो हम आज मुंह मीठा करने वाले हैं पान से।
बिकॉज अभी हम लोग के पास कुछ था नहीं। पान का आइसक्रीम ज्यादा लग रहा है ना, देखो कितना अच्छे से सजा के दिया है उन्होंने, दिख रहा है। हमारे मीरा रोड का सबसे टेस्टी पान है, तो न्यू ईयर का शुरुआत हम मीठा पान से करने वाले हैं। घर जाके हम लोग स्वीट्स खा के मीठा करेंगे। तो ये है हमारा स्वादिष्ट पान। हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स, हमें रास्ते में जितने भी लोग मिल रहे हैं, हम सभी को विश करते हुए जा रहे हैं ये साल बहुत सारा। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। तो फ्रेंड्स, सभी हम अपना आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं, मैंगो, और ये आसमान देख रहे हैं। और आइसक्रीम फिनिश कर लिए हमने और अब निकलेंगे हम। अभी हम आ गए हैं घर और आज हमने बहुत ही ज़्यादा फन किए और बहुत ज़्यादा गए हैं। और इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहाँ समाप्त कर रही हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ही एंड शी ब्लॉग्स। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में और नया साल आप सभी लोगों को बहुत की ढेर सारी शुभकामनाएं। और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।